स्वागत है दोस्तों आपका एनके क्लासेस में। आज हम आई सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। अब आई सेक्शन में हमारे पास दो केस होते हैं, या तो आपका आई सेक्शन सिमेट्रिक होता है या तो हमारा आई सेक्शन अनसिमेट्रिक होता है। सो दोनों के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है उसके अलग अलग मेथड है, तो हम दोनों के लिए अलग अलग मेथड देखेंगे कि किस तरीके से हम सिमेट्रिक सेक्शन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं और अनसिमेट्रिक में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। सो सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं कि हम सिमेट्रिक आई सेक्शन में कैसे निकाल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो यहां पे देखेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन आई सेक्शन, तो हमारा पहला केस क्या है यहां पे, सिमेट्रिक आई सेक्शन। तो सबसे पहले हम क्या ले लें, सिमेट्रिक आई सेक्शन ले रहे हैं। अब यहां पे देखेंगे तो आई सेक्शन सिमेट्रिक कब होगा, जब जो ये आपकी फ्लेंज होती है और ये आपकी वेव होती है, तो जब फ्लेंज जो है वो सिमिलर रहे तब आपका जो आई सेक्शन होता है वो सिमेट्रिक होता है, और जो उसकी न्यूट्रल एक्सिस है वो बीच में आती है आपके आई सेक्शन में। मींस अगर ये 350 है तो आपका न्यूट्रल एक्सिस कहां पे आएगा, 350/2 पे। सो जो सिमेट्रिक आई सेक्शन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कि हम सिमेट्रिक आई सेक्शन में कैसे निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो यहां पे हमारे पास एक आई सेक्शन गिवन है जिसकी फ्लेंज की जो विड्थ है वो 150 है और उसकी जो डेप्थ है वो 20 mm है। फिर अगर वेव पे देखें तो वेव की जो डेप्थ है वो 310 mm है और उसकी जो थिकनेस है वो 10 mm है, और फ्लेंज देखेंगे तो ये विड्थ तो उसकी सेम ही है 150 mm एंड 20 mm, क्योंकि ये आपका कैसा है, सिमेट्रिक आई सेक्शन है। नाउ अगर हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, डायरेक्ट हमारे पास मेथड होती है सिमेट्रिक आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे हमारे पास तीन रेक्टेंगुलर है, एक फ्लेंज का है, फिर एक वेव का है और फिर एक और फ्लेंज का है। तो यहां पे हमारे पास तीन रेक्टेंगुलर है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक ही रेक्टेंगुलर अज्यूम कर सकते हैं। मीन्स अगर हम इसको यहां से ज्वाइन करेंगे इमेजिनरी लाइन से तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर आ जाएगा, और अगर हम न्यूट्रल एक्सिस से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले इस जो हमारे पास रेक्टेंगुलर बीम बनी है इमेजिनरी लाइन से, तो उसका क्या होगा हमारे पास BD³/2L, उसका क्या आएगा हमारे पास BD³/2L। पर यहां पे हमको पता है कि ये वाला जो सेक्शन है और ये वाला जो सेक्शन है वो हमारे आई सेक्शन में नहीं इंक्लूड है, तो हम उसको क्या करेंगे, फिर माइनस करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको माइनस कर सकते हैं। नाउ अब जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास ये दो है हमारे पास सेक्शंस, एक ये वाला है और एक ये वाला है, तो हम दोनों को माइनस करेंगे तो -2 लिख देते हैं। अब एक सेक्शन का हम मोमेंट, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने उसके लिए कंसीडर करा है पूरे रेक्टेंगुलर बीम के लिए, तो वो हम माइनस कर देंगे। तो हमारे पास हमको ये वाले जो रेक्टेंगुलर है इसका आई निकालना है, तो इसका आई कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे आपके पास डेप्थ किसकी कितनी, इसकी 310, तो यहाँ पे आपका डी कितना हो जाएगा इस केस में 310, और ये वाली इसकी क्या हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास टोटल विड्थ कितना है, टोटल विड्थ कितना है गाइस, 150। तो आपके पास टोटल विड्थ कितनी हो गई है, 150। सो अगर आप इसका सेंटर निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 75, या ये आपके पास कितना 75, और ये 10/2 करेंगे तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपके पास, 5। तो आपकी विड्थ कितनी आ जाएगी गाइस, 70। सो ये वाली डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ गई, 70। तो इसमें भी हम BD³/2L लगा देंगे, जिसमें हमारा बी कितना है 70, बी कितना है हमारा 70 mm, और डी कितना है हमारा 310 mm, और इस पूरे रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए हमारे पास बी कितना है गाइस, 150 mm, और डेप्थ कितनी है हमारे पास पूरे बीम के लिए, 350 mm। तो डायरेक्ट हम इसमें लिख देंगे बी इंटू 310 का क्यूब / 12, और यहां पे हमारा बी कितना हो जाएगा, 150
इंटू 350 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 माइनस 2 इंटू 70 इंटू 310 क्यूब बाय 12। तो ये हमारी डायरेक्ट मेथड होती है जो हमारा सिमेट्रिक आई सेक्शन होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं वापिस से समझ लेते हैं। तो जो भी हमारा आई सेक्शन होता है उसको पहले हम एक रेक्टेंगुलर बीम की तरह कंसिडर करेंगे, और रेक्टेंगुलर बीम में हमको पता है कि उसका हम आई कैसे निकालते हैं, बीडी क्यूब बाय 12। बट नाउ यहाँ पे हमने ये जो दो सेक्शन कंसिडर करें ये हमारे इमेजिनरी थे तो उसको हमको माइनस करना पड़ेगा। तो ये जो होते हैं ये इक्वल है तो हम इसमें डायरेक्ट एक का निकाल के इंटू टू कर देंगे। तो हमने टू लिख दिया, इंटू कर दिया। अब एक का जो हमारा सेक्शन है वो हम इधर बना लेते हैं, तो ये हमारा सेक्शन हो गया। इसकी जो पी आया वो कितना आया 70, और इसका जो डी आया वो कितना है आपका 310। ये कितनी इसकी डेप्थ 310, तो इसका हम आई निकाल के माइनस कर देंगे। तो आई कितना आएगा उसका बीडी क्यूब बाय 12, जहां पे आपका बी कितना है 70 mm और डी कितना है आपका 310 mm। तो हम डायरेक्टली उसको लिख देंगे। तो यहाँ पे आपका बी आया 150 इंटू 350 क्यूब बाय 12 माइनस 2 इंटू 70 इंटू 310 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। तो ये बहुत इजी मेथड होती है आई सेक्शन निकालने के लिए, आई सेक्शन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1883753.4 mm की पावर 4। तो डायरेक्ट ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट केस था जिसमें आपका जो सेक्शन था वो कैसा था गाइस, सिमेट्रिकल सेक्शन था जिसमें जो फ्लेंज है वो इक्वल होते हैं। तो ये हमारा आई निकल जाएगा उस केस के लिए। अब हम दूसरा इसका केस देखते हैं अनसिमेट्रिकल सेक्शन के लिए। तो अनसिमेट्रिकल में हम आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं आई सेक्शन में, तो उसके लिए एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। सो यहां पे जो हमारे पास सेकेंड केस है ये आपका किसके लिए, अनसिमेट्रिक सेक्शन के लिए। सो यहां पे हमारे पास ये आई सेक्शन गिवन है, इसमें जो ऊपर वाले जो फ्लेंज की विड्थ है वो आपके पास है 200 mm और उसकी डेप्थ कितनी है 50 mm। जो वेब है उसकी जो थिकनेस है वो कितनी 50 mm और उसकी जो डेप्थ है वो कितनी है 200 mm। नीचे वाला जो फ्लेंज है उसकी जो विड्थ है वो कितनी है 130 mm और उसकी जो डेप्थ है वो कितनी है 50 mm। तो यहां पे हम डायरेक्ट सिमेट्रिक सेक्शन में जैसे हमने आई निकाला था वैसे हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे हम एक ही रेक्टेंगल उसको अज्यूम नहीं कर पाएंगे। वहां पे हम इजीली उसको एक रेक्टेंगुलर बीम बना सकते थे, बाकी हम यहाँ पे उसको नहीं बना पाएंगे। इसलिए यहाँ पे फिर हमको पूरी मेथड से चलना पड़ेगा कि किस तरीके से हम अनसिमेट्रिक में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो शुरू करते हैं उसके लिए। तो सबसे पहले हमको न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ निकालना पड़ेगी, क्योंकि वहां पे सिमेट्रिक था तो वो सेंटर पे आ रहा था, बट यहां पे ऐसा नहीं है। तो यहां पे सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो हम अलग अलग रेक्टेंगुलर कंसीडर करते हैं, इसको फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसको सेकेंड और इसको थर्ड। नाउ जो फर्स्ट रेक्टेंगुलर है उसका अगर हम एरिया देखेंगे तो कितना आएगा 130 इंटू 50, तो ये कितना आ गया आपका 6500 mm². और हम यहां पे यहां से सारे जो आपके इसके सीजी होंगे वो लिखेंगे इस रिफरेंस से। तो यहां पे इसका सीजी कितना आ जाएगा 50/2, तो y1 कितना जाएगा आपका 50/2, तो ये आ गया आपका पास 25 mm। नाउ A2 निकालेंगे, तो ये हमारा A2 है, तो A2 कितना डेप्थ कितनी 200, तो 200 इंटू 50, थिकनेस कितनी उसकी 50, तो ये आपके पास आ जाएगा 10,000 mm² और Y2 कैसे निकालेंगे हम, इस यहां से निकाल रहे हैं तो सबसे पहले तो ये एड कर देंगे हम 50 प्लस इसका सेंटर पे आएगा वो, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी है 200, तो 200 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा ये 100, तो आपका जो Y2 है वो कितना आ जाएगा आपका 150
mm. अब ए थ्री निकालेंगे, सो ए थ्री आपका ये है, तो ये कितना जाएगा 200 इंटू 50, तो ये भी आपका आ गया कितना 10,000 mm स्क्वायर। और y3 कितना आ जाएगा, यहां से यहां तक तो टोटल 8 हो जाएगा, सो ये 200 है, ये 250, सो ये 250 हो गया, प्लस ये 50 का हाफ आएगा, तो यहां पे ये कितना हो जाएगा, ये 25, तो 8 हो जाएगा उसमें 25, सो ये आ गया आपका 275 mm। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1, 2, 3 कंसिडर करेंगे जितने भी हमारे पास रेक्टेंगुलर होगा वो, और उसमें हम क्या करेंगे अलग अलग एरिया निकाल लेंगे। अलग अलग एरिया निकालने के बाद हम एक रिफरेंस है जहां से हमने फर्स्ट कंसिडर करा है, वहां से हम y1, y2 एंड y3 निकाल लेंगे, तीनों की डिस्टेंस निकाल लेंगे। सो y1 हमारा कितना हो जाएगा, इसका सेंटर 25, फिर y2 यहां तक का है, तो ये आपका प्लस हो जाएगा 50, 100 प्लस 50, y3 आपका यहां से निकलेगा, सो ये पूरा प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 250 प्लस 25। तो इस तरीके से हम y1, y2 एंड y3 निकाल सकते हैं। अब आपका जो न्यूट्रल एक्सिस है फ्रॉम बॉटम फ्लेंज, ये कितना आपके पास फॉर्मूला होता है, ए वन वाई वन प्लस ए टू वाई टू प्लस ए थ्री वाई थ्री डिवाइडेड बाय ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री। सो ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ निकालने के लिए। तो हम वैल्यूज रख देते हैं सारी। सो हमारे पास ए वन कितना है 6500, वाई वन हमारे पास कितना है 25, प्लस ए टू आपके पास कितना है 10,000, वाई टू आपके पास 150, ए थ्री आपके पास 10,000 इंटू वाई थ्री आपके पास 275, और तीनों का एरिया हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे। सो ये आप क्या जाएगा 10,000 प्लस 10,000। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा वाई बार कितना आ जाएगा गाइज, 166.51 mm। तो y बार हमारे पास कितना निकल गया 166.51 mm। सो सबसे पहले हम अनसिमेट्रिक सेक्शन में जो हमारी पहली स्टेप होती है वो क्या होती है, न्यूट्रल एक्सिस निकालना। तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपकी क्या आ गई न्यूट्रल एक्सिस, तो ये डिस्टेंस आपका कितना हो जाता है 166.51 mm। नाउ अब हम समझेंगे कि हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना होता है सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक सेक्शन में। तो सबसे पहले तो हम उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि किस तरीके से हम अनसिमेट्रिक सेक्शन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। सो सबसे पहले हमको क्या निकालना था, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, तो वो हमने निकाल ली फ्रॉम बॉटम फ्लेंज, तो ये कितनी आ गई 166.51 mm फ्रॉम बॉटम फ्लेंज। नाउ अब हमारे पास यहां पे कितने रेक्टेंगल है, तीन रेक्टेंगुलर है, तो सबके लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, तो कितना आएगा आई वन आई टू एंड आई थ्री। और हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां पे निकालना है गाइस, न्यूट्रल एक्सिस पे, तो अबाउट न्यूट्रल एक्सिस पे निकालना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। उसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि यहां पे आपके पास एक आई वन है, ये आपके पास मान लीजिए आई टू है, और ये आपके पास क्या है आई थ्री, और आपको किस पे निकालना है आई एक्स एक्स पे निकालना है। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो आई एक्स एक्स है इसमें अगर आई वन के हिसाब से निकाल रहे हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, वो आई वन प्लस उसका एरिया इंटू एक्स बार का स्क्वायर, मीन्स ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी एक्स वन बार। फिर जब हम आई टू के स्पिन, ये आपका आई वन था तो ये हो जाएगा एक्स वन बार, ये आपका एक्स टू बार स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका एक्स थ्री बार हो जाएगा। सो हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं तीनों के लिए, प्लस आई थ्री प्लस ए थ्री एक्स थ्री बार का स्क्वायर। तो डायरेक्ट ये हम फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अनसिमेट्रिक सेक्शन में वो हम निकाल सकते हैं। तो ये हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम की हेल्प से निकाल सकते हैं। सो डायरेक्ट अगर हम फॉर्मूले में रखेंगे सारी वैल्यूज तो देखिए आई वन आपका कितना हो जाएगा बी डी क्यूब बाय 12। तो अगर आप आई वन देखेंगे यहाँ पे तो ये आपका बी है और ये आपका डी है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका 130 इंटू 50 क्यूब बाय 12 प्लस जब आप इसका एरिया लिखेंगे तो एरिया कितना आया था हमारा ए वन 6500 इंटू
आपको x1 बार इसके निकालना है, तो आप x1 बार कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए y बार माइनस y1 का स्क्वायर, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देंगे, प्लस i2 जब आप निकालेंगे तो इसका bd क्यूब बाई 12 लिखेंगे, तो ये आपका आ जाएगा, इसमें आपका b कितना है 50 और d कितना है आपका 200 क्यूब बाई 12, प्लस इसका एरिया हमारे पास कितना निकला था 10,000 इंटू, ये आ जाएगा आपका y बार माइनस y2 का स्क्वायर, प्लस करेंगे हम थर्ड वाला, तो ये आपका थर्ड है, तो प्लस आई थ्री कितना हो जाएगा आपका, बी कितना है यहाँ पे 200 इंटू डी क्यूब बाय 12, प्लस इसका एरिया कितना निकला था आपके पास ए थ्री 10,000 इंटू, यह आ जाएगा आपका वाई बार माइनस वाई थ्री का होल स्क्वायर। अब वाई वन वाई टू वाई थ्री आपको पता है, वाई बार आपको पता है, तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, प्लस 6500 इंटू y बार आपका कितना है 166.51 एंड y1 आपका कितना निकला था गाइस 25, यहाँ पे हम देख सकते हैं y1 हमारा कितना निकला था 25, y2 हमारा 150 एंड 275, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस 50 इंटू 1 बार आपका कितना है 166.51 माइनस y2 आपका कितना है 150, सो ये आ जाएगा आपका 150 का स्क्वायर प्लस 150। अब यहाँ पे आपका स्क्वायर है तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस भी आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, सो ये आ गया आपका 166.51 माइनस y3 आपका कितना है 275 का स्क्वायर। तो जब हम इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। तो इस मेथड से और इस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो अगर हम इस पूरे को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आया जाएगा 2.849 इंटू 10 की पावर 8 mm की पावर 4, और इसको हम हमारा जो केल्सी होता है उसमें एक ही बार सोल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट ही आपका सोल्व हो जाता है वहां पे। तो हमने आज देखा कि हम आई सेक्शन के लिए सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक में मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो सिमेट्रिक है डायरेक्ट हम उसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं, बीडी क्यूब बाय 12 माइनस 2 इंटू बी वन डी वन क्यूब बाय 12, ये हमने देखा। और इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है आई वन प्लस ए वन एक्स वन बार स्क्योर प्लस आई टू प्लस ए टू एक्स टू बार स्क्योर प्लस आई थ्री ए थ्री एक्स थ्री बार का स्क्योर, तो ये आपको दोनों फॉर्मूले याद रखना है, इससे हम डायरेक्ट आई सेक्शन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं सिमेट्रिक एंड अनसिमेट्रिक केस के लिए। सो गाइज आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एनके क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।